नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ये बेल का आइकन दबा के नोटिफिकेशन एनेबल कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के इस वीडियो में मैं आपसे आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कि पेज बनाते वक्त ब्लॉगर के अंदर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इस वीडियो को एंड तक दोस्तों देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। अब पहले स्टार्ट करने से पहले कि क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको मेरी एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि है nirankarinfotech.com। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा है, अबाउट अस लिखा हुआ है, ठीक है, साइट मैप लिखा हुआ है। तो अब मैं अगर साइट मैप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर साइड पे जो मेरा URL बन रहा है उसके अंदर भी यहाँ पे साइट मैप लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अबाउट अस URL के अंदर होना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक SEO का ही बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है कि वो वहाँ पे जो जब वो क्रॉलिंग करने आता है तो वो मेन जो चीज़ें होती हैं उनको वो डेफिनेटली जो है कैप्चर करता है, क्रॉलिंग करते हैं जितने भी सर्च इंजन्स के वो क्रॉलर्स होते हैं। जब वैसे ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस जो है होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस तरह का ये जो चीज़ें हैं पेज का URL जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज जो है हम पेज क्रिएट करने वाले हैं। अगर ब्लॉगर के ऊपर मैं यहाँ पे पेज सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे जाने के बाद अब मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नए पेज के ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ पे ओपन करके अभी नया पेज बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया इसको। लेकिन मैं कुछ समय तक अगर इसमें नहीं कुछ भी टाइप करता हूँ और यहाँ से मैं लिखना चालू स्टार्ट कर देता हूँ अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस लिखा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर मेरे बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ हाय My name is मंजीत सिंह, राइट, ऐसा लिखा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने गलती क्या करी कि मैंने टाइटल नहीं दिया है पहले, ठीक है। अभी जो है मैं टाइटल दे रहा हूँ एंड में, तो यहाँ पे अब मैं अबाउट अस लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये मैंने सेव कर लिया, इसको चलो पब्लिश भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया पब्लिश। अब अगर मैं यहाँ पे इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका URL क्या बना है, blog-page.html, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाना क्या था, अबाउट अस चाहिए था और बना क्या यहाँ पे blog.page.html। तो ये जो है एक URL अच्छा नहीं लगता है दिखने में, ये अगर कोई प्रोफेशनल आपकी वेबसाइट को देखता है तो वो जो है समझ जाता है कि आपने जो है एक ध्यान से इसको जो है नहीं बनाया है, ठीक है। अभी ये पेज ब्लॉग का पेज क्यों लिख के आया, हमारा क्यों नहीं लिख के आया, उसमें हमारी गलती क्या थी। तो जब भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको जो भी आपका पेज का टाइटल देना हो, पेज का URL यहाँ पे डिफाइन करना हो ब्लॉगर के अंदर, वो बाकियों में तो आप क्या है चेंज कर सकते हो लेकिन ब्लॉगर के अंदर आपको अगर ऐसा करना हो तो आपका जो भी चीज़ है, जो भी आप पेज का URL लिखना चाहते हैं, आप वो जो है कहीं से इसको कॉपी कर लो, चाहे कहीं पे भी। जैसे ये यहाँ पे लिख दिया मैंने ये अबाउट अस, मैं ये चाहता हूँ कि अबाउट अस लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस ब्लॉगर पे जाता हूँ, न्यू पेज पे जाने के बाद जैसे ही ये पे यहाँ पे ओपन होता है, सबसे पहले ये पेज टाइटल में और यहाँ पे एक बार लिख के इसको मैं सेव करवा देता हूँ। तो सेव करवाने से क्या होगा, चलिए अभी बाकी काम जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ और अब इसको पब्लिश करता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको पब्लिश किया तो हमने कौन सा वाला किया, ये वाला किया। अब इसको एक बार व्यू करके देखते हैं, तो एज यू कैन सी हमने जो है जो चीज़ पहले लिखी थी वहाँ उस जगह पे हमारा यहाँ पे aboutus.html आया। तो ये जो है हमारे अबाउट अस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही कई सारे जो है ब्लॉग के अंदर काम करते हैं, पेज वगैरह क्रिएट करते हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो हमें जो है ब्लॉगर के अंदर भी अगर पूरी हमारी वेबसाइट को लेके चल रहे हैं या ब्लॉगर को लेके चल रहे हैं हमारा ब्लॉग को, तो हमारे URL किस हिसाब से बन रहे हैं
वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अबाउट अस डाल रहे हैं तो हमें अबाउट अस का पेज जो है यूआरएल के अंदर भी उसका जो नाम है वो होना चाहिए। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस बनाना है तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फिर अस लिख देंगे और इसको जो है कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे न्यू पेज पे जाएंगे और सबसे पहला काम हमें हमेशा पेज क्रिएट करते वक्त यही देखना है कि जो चीज़ का हम जो भी यूआरएल में चाहते हैं वो जो है हम यहाँ पे लिख के उसको जो है पहले सेव कर लें ताकि हमारा जो यूआरएल है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन के अंदर दिखाऊँ तो आपको कहीं पर भी यूआरएल चेंज करने का जो ऑप्शन यहाँ पर पेज सेटिंग के अंदर नहीं मिलता है। वहीं पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो चलो मैं इसको भी पब्लिश कर लेता हूँ। वहीं अगर मैं यहाँ पे पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट के अंदर हमारे पास एडिट पे जाके आपको दिखाऊँ हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे परमालिंक का, तो जिसके चलते हैं जो है हम जब उसको क्रिएट कर रहे होते हैं तो पब्लिश करने से पहले हम उसको चाहे जितना भी चेंजेस करना चाहते हैं तो हम हमारे हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर पेज के अंदर की बात करूं तो पेज के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपने जो एक बार क्रिएट कर दिया है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ही मायने रखती है कि आप जो है किस हिसाब से अपने यूआरएल्स को डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किन चीज़ों का ध्यान हमें पेज बनाते वक्त ध्यान देना है और किन चीज़ों का ध्यान हमें जो है ब्लॉग के अंदर जो उसके आर्टिकल हम बना रहे हैं, नया पोस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या ध्यान देना है। बेसिकली जो है पोस्ट के अंदर बिफोर पब्लिशिंग आप जितनी बार भी चेंज करना चाहते हैं अपने यूआरएल चेंज कर सकते हैं, लेकिन पेज के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो एक बार जब पेज क्रिएट यहाँ पे एक ऑटो सेव ले लिया तो उसके बाद जो है आपको आपका यूआरएल नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज़ हम लेके आ चुके हैं और आगे भी लेके आते ही रहेंगे। और साथ ही साथ जो है बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।